भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा अपने जवानों के लिए हर परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। 5 दिवसीय इस शिविर में 450 जवानों ने युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लिया। बता दें कि ITVP के DIG सुरेंद्र खत्री द्वारा सैद्धांतिक और फिजिकल प्रशिक्षण दिया गया। समापन सत्र में शाम 5 से 7 बजे शिविर स्थल पर युद्धाभास का डेमो दिया गया। इसको देखने जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र एवं नागरिक शिविर स्थल के पास इकट्ठे बने रहे। जैसे ही भारत की सेना द्वारा दुश्मन की सेना को मारकर अपनी चोटी पर कब्जा किया गया, लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की और भारत माता की जयकारे लगाए और सेना के सपूतों का जो है अभिनंदन किया। बता दें कि DIG खत्री ने बताया कि जवानों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर इस इलाके में पहली बार लगाया गया। इसका उद्देश्य जनता को सेना के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करना, साथ ही लोगों में देश प्रेम जागृत करना है। हमारे प्रशिक्षण देने वाले कमांडरों द्वारा इन जवानों को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से लड़ने के तरीके बताए। युद्ध के समय दुश्मन कैसे प्रहार कर सकता है और हम कैसे सुरक्षा हमें अपनी करनी होगी, दुश्मन पर हमला करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके साथ ही कौन से हथियार को कब चलाना है, इसका प्रशिक्षण सिखाया गया। इस डेमो को देखने विनोद गुप्ता, प्रहलाद गंधर्व, विवेक गुप्ता, रविंद्र जैन, सरपंच टोडी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बम जैसे रात के अंधेरे में दुश्मन की लोकेशन देख सकते हैं। युद्ध के डेमो में पहले बम से धुएं की परत बनाई गई, इसके बाद दुश्मन की सेना जो पहाड़ी पर थी अंधेरे में दुश्मन की लोकेशन इलू बम चलाकर समझी गई। अधिकारियों ने निर्देश पर पहली बार टुकड़ी ने दुश्मन की सेना पर हमला किया और उसे मार गिराया। दुश्मन की संख्या का अंदाजा नहीं था, इसलिए कमांडर ने तुरंत ही दूसरी टुकड़ी रवाना कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से तीसरी टुकड़ी भी जो है उन पर नजर रख रही थी। चोटी पर सेना के जवानों ने दुश्मन को घेर लिया और लाल व नीले रंग के बम चलाकर जीत का संकेत दिया। अधिकारियों ने सेना का ऑपरेशन को सफल बताया। जवानों ने बताया कि हमारा लक्ष्य केवल देश प्रेम रहता है, कोई भी दुश्मन देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, इसे एकाग्रता बनी रहती है, दुश्मन कब अटैक कर दे कोई पता नहीं, इसलिए पूरे समय अपनी ड्यूटी पर ध्यान रखते हैं। और इस प्रशिक्षण में, इस एक्सरसाइज में 450 ट्रेनिंग ने भाग लिया था और इस ट्रेनिंग में हमने अधिकतर अपने ट्रेनिंग को जो हमारी कन्वेंशनल वारफेयर लड़ाई होती है बॉर्डर पे, किस प्रकार से ये दुश्मन का सामना करेंगे, किस प्रकार से पेट्रोलिंग करेंगे, किस प्रकार से डिफेंस लेंगे, किस प्रकार से अटैक को रिपल्स करेंगे, उसके विषय में बताया। और उसी के साथ साथ हमने अपने ट्रेनिंग को यह भी बताया है कि जहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे एंटी नक्सल एरियाज में ऑपरेशंस करने होते हैं, वहाँ पे इनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस प्रकार से वहाँ पे ऑपरेशंस करने हैं, किस प्रकार से ये LUP लेंगे और भी कई गतिविधियाँ जो कि हमने इनको डिटेल में करके बताया है। और हमारी इस एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव हमने हासिल किया है, एक नई सोच के साथ हमने इनको ट्रेनिंग दी है कि जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में भी ये तैनात रहते हैं, चाहे बॉर्डर एरिया है या फिर काउंटर इंसर्जेंसी का एरिया हो, वहाँ पे आम जनता के साथ इन्होंने मिलजुल के रहना है, उनके साथ अच्छे से अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। जहाँ पे भी विद्यालय हैं तो विद्यालयों में जाके बच्चों से मिलना है और जहाँ पे भी संभव हो मेडिकल कैंप्स लगाना है और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम समय समय पे करते रहना है, ताकि आम जनता के साथ एक अच्छे कोऑपरेशन के साथ जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनसे हम उनको उनका सफाया कर सकें। जी सर, अभी मैंने देखा था 2-3 दिन पहले एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनपुरा में भी आपने और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भौती में भी सेना द्वारा हथियारों के बारे में बच्चों को, छात्र छात्राओं को बताया गया था, तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताएंगे उनको क्या प्रोग्रेस दी, बच्चों को क्या उत्साह मिला बच्चों के अंदर। अरे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें एक हिस्सा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का भी रहता है, जिसमें कि हमने आसपास की जनता के साथ एक अच्छे संबंध रखने होते हैं। तो उसी ट्रेनिंग के तहत हमने जो अभी 2-3 विद्यालयों में हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने बच्चों को ITVP और बाकी इंडियन आर्मी और बाकी पुलिस फोर्सेस में भर्ती होने के लिए उनको प्रोत्साहित किया था। और उसके अलावा हमने बच्चों को वेपन डिस्प्ले दिखाए थे, जो भी हमारे पास बड़े हथियार हैं, और बेसिक हम यही चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको वेपन देख के वो भी आकर्षित हों कि हमने भी देश की सेवा करने के लिए हमें कोई भी फोर्स को ज्वाइन करना है। और अपने कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने बच्चों को ये भी बताया कि जैसे भर्ती के लिए लॉन्ग जंप की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो वो भी हमने उनको गड्ढे खोद के वहाँ पे दिए थे और बच्चों ने बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा लिया है। और कुल मिला के जो बच्चे हैं वो फोर्स के नज़दीक आए और फोर्स बच्चों के नज़दीक आई है। ठीक, जय।
जय हिंद।